नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए, आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। उसकी चार पत्नियाँ थीं। चौथी पत्नी से उसे बहुत प्रेम था। हमेशा उसे सुंदर सुंदर गहनों और कपड़ों से सजाए रखता था। तीसरी पत्नी पर उसे बहुत गर्व था। कहीं भी उसे साथ में ले जाते हुए उसे अपनी शान महसूस होती थी, लेकिन साथ में एक डर भी लगा रहता था कि कोई अन्य उसे उससे चुरा न ले। जो दूसरी पत्नी थी वह उसके मुश्किल दौर में हमेशा उसकी सहायक रहती थी। और जो पहली पत्नी थी वो बेहद वफादार थी, कदम कदम पर उसकी मदद करती थी, उसके घर और व्यवसाय को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी। लेकिन वह अमीर व्यक्ति हमेशा उसे नकारता था, कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ा और मृत्यु को करीब जानकर उसने अपनी सभी पत्नियों को बुलाया और जिनसे वो विशेष प्यार करता था उन सब से उसने कहा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तुम सब भी मेरे साथ मृत्यु के कगार पर चलो और मेरे साथ ही चलो। तब उन तीनों पत्नियों ने तो मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ मृत्यु को वरण नहीं करेंगी। लेकिन जो पहली पत्नी थी उसने कहा, आप डरो मत, आपकी मृत्यु के साथ साथ मैं अपनी भी मृत्यु का वरण करूंगी। अमीर व्यक्ति सोच में पड़ गया कि जिसे उसने कभी भी भाव नहीं दिया, जिसे कभी भी जिसकी तरफ उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया, वह पत्नी उसके साथ मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार है और वो जो दूसरी तीन हैं वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। बंधुओं, हम सब के जीवन में ये चार पत्नियां हैं। जो चौथी पत्नी है वो है हमारा शरीर, जिसे हमेशा हम गहनों से कपड़ों से सजाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है वह हमारा साथ छोड़ देती है। जो तीसरी पत्नी है वो है हमारा धन, और हमारी मृत्यु होते ही वह धन किसी और का हो जाता है। और जो दूसरी पत्नी है वह है हमारे रिश्तेदार नातेदार, जो शमशान भूमि तक हमारे साथ चलते हैं और वहाँ से फिर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जो पहली पत्नी है वह है हमारी आत्मा, जो जन्म जन्म की हमारी साथी है और जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। इसलिए ज़रूरत है इस पहली पत्नी को, इस आत्मा को सजाने की, संवारने की, इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने की, कि दूसरों को नहीं स्वयं को निहारना चाहिए, आत्म कसायों को संयम से बुहारना चाहिए। दर्पण में देह के रूप को क्या देखें, आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना चाहिए, आत्मा रूपी परमात्मा को निखारना चाहिए। नमस्कार।